तेरी ही तो तलाश थी साले। अरे रुक जाओ, पहले हम कुछ बात कर लें। ठीक है। जिस पागलपन से तुम हमारे पीछे पड़े हो, हमने सोचा है कि हार मान लेते हैं, लेकिन अगर इस सबसे पहले थोड़ी बातचीत हो जाए तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। टेनजी, बेशक तुमने मेरे ग्रैंडपा और उनके दोस्तों की जान ली है, लेकिन उसके बावजूद तुम अपनी गलती मानकर उसकी माफी मांग सकते हो। देखो, मेरे आने से पहले कोई और उन्हें मार चुका था। वो बंदे ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। मुझसे झूठ मत कहो। तेरे जैसे दोगले सिर्फ सबसे झूठ बोलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो ज़ॉम्बी वाली बात एक कड़वा सच है, लेकिन तुम्हारे उन्हें मारने से पहले वो इंसान ही थे। क्या उन्हें मारने का तुम्हें जरा सा भी दुख महसूस नहीं होता डेंजी? ना, मैं ठीक हूँ। सच कहूं तो मैंने भी बहुत कुछ सहा है। जब से सावतारी ने मेरे दिल को कटाना डेविल से बदला है, तब से ज़ॉम्बीज़ जैसे मुर्दों की जान लेने पर भी मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैं इतना बेरहम नहीं हूं, पर तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत मौजूद है तो दुनिया को मेहरबानी कर हमें तुम्हें मारने दो। नहीं शुक्रिया। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अगर ऐसी ही बात है तो आ जा। इस सबक को तो मुझे सिखाने की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? मुझे इंतजार है। पिछली बार से ज्यादा फुर्तीले हो, बताओ मुझे आखिर क्यों? अपने लड़ने की वजह बताओ। मैं सिर्फ अपने नए लाइफस्टाइल को बचाने के लिए लड़ता हूँ मेरे ख्याल से। तो पब्लिक सेफ्टी में मजे की जिंदगी जीने को मिल रही है? इतनी अच्छी नहीं है। मुझे दो सबसे खड़ूस लोगों को सारे दिन झेलना पड़ रहा है, पर हाँ इससे भी बुरा हो सकता है। तो चाहे बुरा मानो या भला, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मिस माकिमा मेरी पूरे दिन तारीफ करेगी। तुम ये लड़ाई बहुत पहले ही हार चुके हो। क्या कहा? तुम्हें अभी से ही लगता है कि मैं हार चुका हूँ? अगर मुझ में खून है तो मेरे पास मौका है। बकवास। डोर, इस अटैक पर मैं आपसे बैन लगा रहा हूँ। जरूर। तुम हार गए। तुम अपने हाथों के बगैर नहीं लड़ सकते। तो क्या कहते हो डेंजी, क्यों ना अपनी बची हुई सांसों से ग्रैंड डैड को मारने की माफी मांग लो? किसने कहा मैं अभी भी नहीं लड़ सकता? मेरे सर में जो ये चेंसो है, ये इसे खत्म करने के लिए काफी है। बेवकूफ। क्या मेरे ग्रैंडडैड ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि कब लड़ना बंद कर देना चाहिए? उनके लिए रहम की भीख मांगो और मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर दूंगा। तुमने काफी अंदाजे और ध्यान से मेरे सर पर वार किया और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। क्या तुम्हारे दादा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि एक बीस्ट को कभी एक हंटर की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए?
देखो तो सही, कौन जाग चुका है? किसने सोचा था हम दोनों काफी एक जैसे हैं? तुम्हारे हाथ में से वो कटाना निकालने के बाद तुम्हारे शरीर के हिस्से अपने आप ही जुड़ गए। तुझे तो साले जान से मार दूंगा। हारने के बावजूद तुम इतना ज्यादा भौंक रहे हो। मुझे पुलिस के आने तक यहाँ पर रुककर निगरानी करनी होगी, लेकिन मेरे रुकने की एक और वजह है। तुम्हें हराने के बावजूद मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूं। जो तुमने किया था मैं अब तक भूला नहीं। तुमने हीमिना को मारा है, मतलब तुमने इस दुनिया से एक सीरियसली हॉट लड़की को छीन लिया, और अब तुम आराम से अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटोगे बिना किसी सजा के। अब इसमें क्या मजा? तू बोलता तो ऐसे है जैसे कुछ कर सकता है, पर तू बस एक पब्लिक सेफ्टी का कुत्ता है। एक कॉन्टेस्ट कैसा रहेगा? हाँ। कैसा कॉन्टेस्ट? परफेक्ट टाइमिंग। आयकावा स्क्वाड 4। टारगेट फिलहाल पटरियों से बना है जो क्लॉक टावर के सामने है। मुझे बैकअप चाहिए। कहो तो तुम्हें भी इस गेम में शामिल कर लूं आयकावा, काफी मजेदार है कसम से। तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? मेरा कहना है कि क्योंकि इसने हीमिनो को गोली मारी तो हम इसकी गोली मारते हैं, क्या कहते हो? लेकिन ये एक कॉन्टेस्ट की तरह है, हम दोनों बारी बारी मिलकर इसकी कोटियों पर लात मारेंगे। पुलिस के आने से पहले जिसकी लातें खाकर इसने सबसे ऊंची चीखें निकाली वो जीता। तू आखिर कैसा दरिंदा है? क्या हुआ, तुम्हें नहीं खेलना क्या? हमारा काम इस बंदे को पकड़ने का है। हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें अपने मजे के लिए उसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए। इस सबसे वो वापस नहीं आने वाली, और वो खुद कभी इसके लिए नहीं मानती। ठीक है, तो फिर अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा कहना है कि इनाम के लिए उसकी गोटियां कैसी रहेंगी? गाइस तुम बस मजाक कर रहे हो ना? गाइस हेलो, कम ऑन गाइस, गाइस सुन पा रही हूँ। ये हमारी तरफ से तोहफा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।